नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल भारत में। राकेश, एनआरसी और सीएए नागरिकता संशोधन कानून को लेकर 21 दिसंबर को आरजेडी का बिहार बंद बुलाया गया है। बिहार बंद के दौरान का जो उसका असर है वो दिखना शुरू हो गया है। आपको बताते चले कि राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिले अब इस बिहार बंद का असर वहां पर देखा जा रहा है। साथ ही साथ राजधानी पटना की बात करें तो पटना का इनकम टैक्स गोलंबर पूरी तरह से जाम कर दिया गया है, वहां पर आगजनी की जा रही। इसी के साथ साथ बस स्टैंड की बात की जाए तो वहां पर कई बसों में तोड़फोड़ की खबरें आ रही है। तोड़फोड़ के साथ साथ पटना का जो बाईपास रोड है वो भी पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। ट्रकों की लंबी कतार लगी हुई है। इसी के साथ साथ जो यातायात है वो पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। ये नहीं, सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है और सरकार से एनआरसी और सीएए कानून को वापस लेने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि सीएए कानून को संसद ने पास कर दिया, अब वो कानून का रूप ले चुका है और अब यह कानून भी लागू हो गया है और बहुत ही जल्द इसे अब सख्ती से लागू करने के मूड में केंद्र सरकार दिख रही है। आपको बता दें चले कि केंद्र सरकार की तरफ से लगातार इस कानून को लेकर समझने की बात कही जा रही है, लोगों से अपील की जा रही है, लेकिन एक बार फिर से दिल्ली ही नहीं, पटना ही नहीं, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन हो रहा है उसे कई कतई सही नहीं ठहरा सकते। अगर महत्वपूर्ण यहाँ पर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश जहाँ पर कई तरह के हिंसक प्रदर्शन देखे जा रहे हैं और बिहार भी अछूता नहीं रहा है, बिहार में भी जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं। दो दिन पहले पप्पू यादव की पार्टी और विकासशील इंसान पार्टी और वाम दलों की पार्टी ने बिहार बंद का आह्वान किया था और बंद के दौरान जाप पार्टी की जमकर गुंडागर्दी देखी गई थी। इसी के साथ साथ आज यानी कि 21 दिसंबर को राष्ट्रीय जनता दल का बिहार बंद का आयोजन किया गया है और इस बंद के दौरान जो जगह जगह पर तोड़फोड़ भी देखी जा रही है, कार्यकर्ताओं के राहगीरों के साथ मारपीट की भी खबरें आ रही है, बदतमीजी की भी खबरें आ रही है और प्रशासन को एक दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने आगाह कर दिया था। साथ ही साथ नीतीश कुमार को यह चेतावनी दी थी कि अगर नीतीश सरकार के प्रशासन ने आरजेडी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर लाठी डंडे चलाए तो बिल्कुल बुरा होगा और उसी का नतीजा आप देखते हो कि ये मिल रहा है कि राजधानी पटना के कई सड़कों पर आरजेडी के कार्यकर्ता उतर चुके हैं और इसी के साथ साथ वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने भी आरजेडी कार्यकर्ताओं को आरजेडी पार्टी को अपना समर्थन दिया है बिहार बंद के खिलाफ। और बिहार बंद का जो दौर है एक बार देखा जा रहा है कि जो असर है बिल्कुल पूरे बिहार बंद में देखा जा रहा है। फिलहाल देखना यह भी अहम होगा कि इस बिहार बंद के बाद लोगों को कितना नुकसान होता है और क्या वाकई में क्या केंद्र सरकार यह स्टैंड अपना पीछे लेने के मूड में है या फिर सख्ती से एक बार फिर से विपक्ष को करारा जवाब देते हुए इस कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा। ये काला कानून है, काला पानी जो देखे फिर वही कानून है। बेरोजगारी मांगे हैं कि लाठी लिखा के भी डाल नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दिखाना है कि देश की जनता शांतिपूर्ण के साथ लाठी भी जानती है। आप सुधर जाइए, देश को बांटिए मत, देश को किम जोंग और हिटलर शाही नहीं चाहिए, देश को नेहरू जी गांधी के जैसे लोग चाहिए, देश चलाने के लिए शांतिप्रिय लोग चाहिए। हंगामा करना तो कुत्तों का काम है, हंगामा तो लोड पर कुत्ते भोगते हैं, हाथी चुपचाप चलता है। हाथी बनिए मोदी जी और अमित शाह, नीतीश कुमार जी, दोगली नीति मत रखिए, किसी आए पे हाँ और एनआरसी पे ना, ये नहीं चलेगा। सरकार को समझ सिखाना चाहते हैं कि एनआरसी सीए लागू करती है, नहीं तो हम लोग प्रदर्शन करेंगे और जहाँ तक नहीं होगा तो हम लोग दाह भी करने के लिए तैयार होंगे। तो आप आत्मदाह करेंगे? जी, प्रोटेस्ट करेगा, आंदोलन जारी रहेगा जब तक कानून नहीं हटाएगा, जब तक ये जारी रहेगा। कहना चाहते हैं कहना क्या, भाई जो कह दिया भाई के साथ खड़ा है। दो दिन पहले आपने वाम दलों का भी समर्थन किया, आज राजद के जिस कानून से लोगों में खून खराबा हो उसके लिए हम लोग हर दिन आंदोलन करेंगे और हर छोटे से
छोटे और बड़े दल का समर्थन करेंगे। हम लोग इस देश के नागरिक हैं। जो प्रशासन है प्रशासन जैसे कि आपके नेता के साथ भी हुआ था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था 2 दिन पहले। देखिए कोई हम लोग नहीं, हम लोग ने ट्रेन रोका था, ट्रेन रोकना गलत है क्या? जनता को संदेश देना गलत है क्या? सब कुछ मीडिया वाले कहते हैं कि इस देश में जनता परेशान है। इस देश में 135 करोड़ में एक दिन में 1 करोड़ आता है, जो 1% भी आबादी नहीं होता है। 2 करोड़ लोग ट्रेवल करते हैं, तो 2% के लिए 98% जो घरों में है। प्रशासन शर्म करो, संविधान से खिलवाड़। देखिए ये मतलब जालिमों की सरकार है और पूरे सत्ता में नशा में चूर वाली सरकार है और सत्ता के नशा में इतना चूर है कि देश की जनता आज लहक रहा है, देश लहक रहा है। देश में इमरजेंसी जैसा पूरा माहौल है, कितने लोग यूपी दिल्ली में मारे गए हैं। इस सत्ते में नशे चूर सरकार पर कोई असर नहीं होने वाला। ये लोग मनमानी तरीके से काला कानून देश को थोपना चाह रहे हैं, इसको हम लोग जोर विरोध करते हैं और हर हालत में नरेंद्र मोदी को यह काला कानून वापस लेना होगा। आंदोलन जारी रहेगा क्या? आंदोलन निरंतर जारी रहेगा जब तक यह काला कानून वापस नहीं लेगा। फिलहाल नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए देखते रहे नेशन भारत, साथ ही हमारे चैनल से जुड़े सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।